हेलो दोस्तों दोस्तों आज डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, देन एनालिसिस समझ आएगा हमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस एंड प्रोडक्ट, दोबारा समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट होते हैं, जो साल के एंड में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बना जाते हैं। जैसे हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट, तीसरा होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट, और चौथा होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस विच आर प्रिपेयर एट दी एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 31 मार्च अप्रैल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर कौन कौन से हमारे सेगमेंट आते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इसे हम पोजिशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एंड देन नोट टू अकाउंट होते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। दोस्तों इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब समझ लेते हैं एनालिसिस क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझ आ गया, एनालिसिस मींस किसी चीज़ की डिटेल में स्टडी करना इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सम कंक्लूजन, या कह सकते हो आप क्रिटिकल इवेल्युएशन एनालिसिस कहलाता है। दोबारा समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब हो गया द क्रिटिकल एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। जब आप एक कंपनी के इन सब अकाउंटिंग सेगमेंट को आप एग्जामिनेशन और इसका कुछ क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे तो हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलेंगे। आप ये जानना चाहोगे इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, बैलेंस शीट में इसकी असेट्स लाइबिलिटीज़ की क्या पोजिशन है, एग्जामिनेशन हो रहा है, नोट टू अकाउंट देख के। अच्छा, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में ना सिर्फ हेडिंग्स होती हैं कंपनी की, इनकी जो डिटेल्स होती हैं वो नोट टू अकाउंट में होती है। अगर किसी आइटम की आपको डिटेल देखनी है तो आपको नोट टू अकाउंट देखना पड़ता है, तो नोट टू अकाउंट भी सप्लीमेंट्री होता है विद द स्टेटमेंट ऑफ पेंडल एंड बैलेंस शीट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की आप इंपॉर्टेंस इससे समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कहते हो आप 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप कहते हो मुझे प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का, तो आपके फर्म में जो आपकी वेल्थ है वो 2 लाख रुपए हो गई है। बट आपके पास एक क्रेडिटर आता है, मुझे 10,000 रुपीज़ दे दो मेरे, जो आपने वादा किया था मैं 1 महीने बाद दे दूँगा। बट आप उसे कहते हो सर मेरे पास मुझे प्रॉफिट तो 1 लाख रुपये का है, मेरे वर्थ 2 लाख रुपये हो चुकी है 1 लाख से बढ़कर, बट सर अभी मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको अभी नहीं दे पाऊँगा, आप मुझे 1 हफ्ते बाद आना दोबारा। तो उसके माइंड में आपकी गुडविल ख़राब हो गई है, वो दोबारा आपको माल नहीं बेचेगा, दोबारा क्रेडिटर आपको क्रेडिट अलाउड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कैश पोजीशन अच्छी नहीं है। तो प्रॉफिट होना एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट आपके पास एट एनी टाइम कैश होना ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, ये कैश पोजीशन बताता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। एक फर्म के पास प्रॉफिट कितना ही हो, अगर उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, कैश पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वो अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएगी, जिससे उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गया होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया आपको, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब भी आपको समझ आ गया है। चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइप क्या होते हैं, मैं टाइप बताता हूँ आपको। ज़रा इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। पहली कैटेगरी में 2 हैं, कौन सा? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? जब
एक अकाउंटिंग ईयर के फिगर्स को लेके हम एनालिसिस करते हैं, मतलब एक ईयर एक वर्ष के ही हम अकाउंटिंग फिगर ले लेते हैं, तो उसका जब हम विश्लेषण करेंगे एनालिसिस करेंगे तो उसे बोलेंगे वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि पास्ट 2 साल 3 साल 4 साल का डेटा लेके फिर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में करंट ईयर पीरियड होता है, सिर्फ एक साल का ही हमारे पास फिगर होता है, एक साल का ही हमारे पास रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है, इसमें पास्ट ईयर्स के भी रिकॉर्ड होते हैं, डाटा होता है। वर्टिकल को इसलिए क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं, क्रॉस, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं, एनालिसिस। दोस्तों वर्टिकल का एग्जांपल है आपका रेशियो एनालिसिस, इसका है आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट, एग्जांपल इसका रेशियो, इसका कंपेरेटिव। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस वो पार्टीज़ करती हैं जो फर्म से बाहर हैं, आउटसाइडर्स करते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, मनी लेंडर, बैंक, गवर्नमेंट, तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनके पास फर्म के एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, क्योंकि उनके पास केवल वही डेटा होगा जो फर्म पब्लिश करती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट एंड ओनर करते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो इसलिए ये एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है। तीसरा होता है आपका इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। दोस्तों इंट्रा फर्म एनालिसिस जब होता है जब एक फर्म अपने अलग अलग डिपार्टमेंट का एनालिसिस करती है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्केच का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पेन या पेंसिल के कोई स्केच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन करे, तो वो इंट्रा, एक ही सेम फर्म होनी चाहिए, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। इंटर फर्म क्या होते हैं, दो फर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सैमसंग का कंपैरिजन एप्पल के साथ करें फर्म का एनालिसिस, तो उसे हम बोलेंगे इंटर फर्म। जब एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ करेंगे तो इंटर फर्म, एक फर्म का उस फर्म के ही अलग डिपार्टमेंट के साथ करेंगे या उस फर्म के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ करेंगे करंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन, तो भी वो इंटर फर्म कहलाएगा। दोस्तों समझ आ गया, ये इसके टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की पार्टीज़ क्या होती हैं, ज़रा पार्टीज़ भी आपको समझा देता हूँ मैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन करता है, इन्हें पार्टीज़ बोलते हैं। पार्टीज़ दो तरह की पार्टीज़ होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इन्हें आउटसाइडर भी बोलते हैं। इंटरनल वो होती हैं जो फर्म के अंदर ही होती हैं, जैसे मैनेजमेंट, दूसरा एम्प्लॉयज़, ओनर भी होते हैं। ये इंटरनल पार्टीज़ हैं। और एक्सटर्नल कौन होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक, डिबेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स भी कह सकते हो आप, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह भी होते हैं। तो ये एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, ये इंटरनल पार्टीज़ हैं। इंटरनल पार्टीज़ का अलग मोटिव हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का, और एक्सटर्नल का अलग मोटिव हो सकता है। जैसे मैनेजमेंट का मोटिव होता है किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जानना, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्केच का प्रोडक्शन करते हैं और इंक का प्रोडक्शन करते हैं, इंक ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है आपको या स्केच, इसका प्रॉफिटेबिलिटी पता करना और डिसीजन मेकिंग करना, ये मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस के बेस पे ये डिसाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ किसी फर्म के अंदर जब जॉब करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है और ये फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, जिसके बिहाफ पे वो नेगोशिएशन करते हैं और बाद में अपनी सैलरी वगैरह बढ़ाने की डिमांड वगैरह कर सकते हैं, बोनस की डिमांड कर सकते हैं। ओनर जानना चाहता है आप, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगाया है, तो वो जानना भी चाहेगा कि मेरी फर्म की क्या पोजीशन है, प्रॉफिट मुझे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। एक्सटर्नल में बात करते हैं क्रेडिटर आपको
क्रेडिट अलाउड करता है, आपको माल बेचता है, गुड्स बेचता है उधार, तो वो जानना चाहेगा कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, आप पे भी कर सकते हैं या नहीं। क्रेडिटर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जानना चाहते हैं फर्म की। इसी तरह से बैंक आपको लोन वगैरह अलाउड करता है, तो इसलिए बैंक ये भी जानना चाहेगा कि आपके लोन के पैसे पेमेंट कर पाएंगे, लोन के पैसे वापस कर पाएंगे, आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे, तो इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। सिमिलरली डिबेंचर होल्डर भी यही काम करते हैं। इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं करंट इन्वेस्टर, एक होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। करंट इन्वेस्टर उन्हें बोलते हैं जिन्होंने अपनी फर्म में अभी पैसा लगा हुआ है, शेयर खरीदे हैं, और पोटेंशियल वो होते हैं जो आने वाले समय में आप में आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो दोनों ही आपकी फर्म को इवेलुएट करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम जिस फर्म में अपनी सेविंग्स लगा रहे हैं, अपनी कमाई, मेहनत की कमाई जो है हमारी, वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फर्म हमें क्या देगी, रिटर्न क्या देगी, इससे हमारा पैसा सेफ है या नहीं है, तो इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ जैसे टैक्स डिपार्टमेंट, वो आपका फर्म का इवेल्यूएशन करते हैं, जिसके बिहाफ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी फिक्स करते हैं कि इस फर्म को टैक्स कितना देना। और भी पार्टीज़ होती हैं, जैसे कस्टमर होता है, डेटर होता है, सोसाइटी होती है, ये सब भी एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं, आउटसाइडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक टॉपिक आपको छोटा सा और बता देता हूँ कि टूल्स कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। टूल्स क्या क्या टूल्स हैं जिसके बिहाफ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरिजन कर सकते हो आप अपनी फर्म का, एक फर्म का या दूसरी फर्म का, एक फर्म के साथ। दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में हम वैल्यूज निकालते हैं एक ईयर के फिगर्स की। तीसरा होता है आपका रेशियोज़ वगैरह निकालते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इस तरह से करंट रेशियो, इस तरह से रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरह से एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कैश पोजीशन पता लगती है फर्म की। एक और होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के हमारे पास पांच टूल्स हैं। पांच टूल्स के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, बट इनका डिटेल में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, डेप्थ नॉलेज ज़रूरी है, जब भी आप किसी फर्म का एनालिसिस कर पाएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है दोस्तों, जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है, या किसी फर्म के साथ किसी तरह से कोई ट्रांजेक्शन करने का निर्णय लेता है, तो उससे पहले उस फर्म को वो इवेल्युएट ज़रूर करता है, उसका एनालिसिस ज़रूर करता है, जिससे पता लग जाता है कि मुझे इसके साथ बिजनेस करने में फ़ायदा है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इससे नुकसान हो जाए। तो ये सब एनालिसिस ही हमको इन सब चीज़ों का आंसर देता है। तो ये आप किसी भी फर्म के साथ किसी फर्म के साथ बिजनेस करने से पहले आप उसका एनालिसिस ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के इस टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।